नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लेथ मशीन के बारे में, लेथ मशीन के कंपोनेंट्स के बारे में, कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ इंस्टॉल्ड होते हैं और उनका क्या क्या कार्य होता है, पूरी तरह से डिटेल में जानेंगे। लेथ मशीन के इतिहास को जानने के लिए हमें 18वीं शताब्दी का रुख करना पड़ेगा। दुनिया की पहली लेथ इसेंशियल फीचर्स के साथ वर्ष 1797 में एक ब्रिटिश जिसका नाम हेनरी मोड्सले था, उन्होंने बनाई थी। इसके बाद बहुत से वर्षों से हो रही रिसर्च व डेवलपमेंट के साथ जो भी मॉडिफिकेशन होती गई उनका ही परिणाम है लेथ आज हमें इस स्वरूप में मिली है। और वास्तव में लेथ पहली मशीन टूल है जो मेटल कटिंग करने के लिए अस्तित्व में आई थी, और कह सकते हैं लेथ ने ही आज के ज़माने में प्रयोग होने वाली एडवांस मशीन टूल की डिवेलपमेंट के लिए बेस तैयार किया है। वर्तमान समय में बहुत से ऑटोमेटिक मशीन टूल आ गए हैं, लेकिन लेथ का अपना अलग ही स्थान है। चाहे मॉडर्न एडवांस इंडस्ट्री की बात करें, वहाँ हमें लेथ की आवश्यकता महसूस होती है। मॉडर्न टूल रूम, रिपेयर शॉप, ट्रेनिंग वर्कशॉप इत्यादि में लेथ आज भी बखूबी अपना काम कर रही है। लेथ मशीन की मदद से सिलेंड्रिकल वर्कपीस से मटेरियल रिमूव करके चिप की फॉर्म में वर्कपीस को डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट किया जाता है। और लेथ पर काम करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि टूल मटेरियल हमेशा वर्कपीस मटेरियल से हार्ड होना चाहिए। तो बात करते हैं लेथ मशीन्स के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले बेड, लीड स्क्रू, फीड रोड, लेग, सैडल, एप्रन, कैरिज, चिप पैन, गाइड वेज, हैंड व्हील, टेल स्टोक, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, टूल पोस्ट, चक, स्पिंडल, हेड स्ट्रोक आदि। तो इन कंपोनेंट्स के बारे में वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेड की। बेड यह लेथ मशीन की मेन बॉडी होती है, और लेथ मशीन के सभी कंपोनेंट्स बेड के साथ बोल्टेड होते हैं बोल्ट की मदद से। जो बेड है वह सेमी स्टील मटेरियल का बना होता है। सेमी स्टील में टफंड कास्ट आयरन और स्मॉल अमाउंट में स्टील स्क्रैप होता है, जिसे हम मोल्टन कास्ट आयरन के दौरान उसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा होती है और इसकी सेल्फ लुब्रिकेशन क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होती है। बेड को कास्टिंग प्रोसेस से बनाया जाता है और फ्लोर स्पेस या फिर फर्श पर बोल्ट की मदद से इसकी फाउंडेशन की जाती है। और जो कास्ट आयरन का जो बेड बना होता है उसमें आसानी से स्लाइडिंग एक्शन को भी करना आसान रहता है। अगर हम छोटी लेथ का यूज़ करते हैं, स्मॉल लेथ मशीन का यूज़ करें, तो उस केस में जो बेड है सिंगल पीस का बना होता है, लेकिन लार्ज लेथ मशीन में जो बेड है वो पीसीज में बना होता है, जिसे बाद में बोल्ट की मदद से इकट्ठा कलेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट की अगर हम बात करें, उसमें आता है जैसे चक। जो चक का प्रयोग हम वर्कपीस को होल्ड करने के लिए करते हैं, और जो चक है वह स्पिंडल के साथ बोल्टेड होता है। जैसे ही स्पिंडल रोटेट करता है, चक और उसमें होल्ड वर्कपीस भी रोटेट करने लगता है। चक 3 जा या 4 जा चक हो सकते हैं, जिन्हें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करते हैं। उसके बाद कंपोनेंट है हेड स्ट्रोक। जैसा अगर हम डायग्राम को देखें, जो हेड स्ट्रोक है वह हमेशा लेथ मशीन के लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, और लेथ मशीन का सबसे मेन कंपोनेंट भी होता है। और जो हेड स्ट्रोक है यह स्पिंडल, ड्राइविंग पुली आदि के लिए होल्डिंग डिवाइस की तरह सर्व करता है। हेड स्ट्रोक भी कास्ट आयरन का बना होता है। अगर हम बात करें जो हेड स्ट्रोक है, इसके अंदर स्प्लाइन, ड्राइविंग शाफ्ट, इंटरमीडिएट शाफ्ट और लाइव सेंटर शाफ्ट होती हैं, जिनके पूरे सेटअप को हम स्प्लाइंड हेड स्ट्रोक स्पिंडल कहते हैं। और जो स्पिंडल है यह हेड स्ट्रोक के प्रत्येक एंड पर लोकेटेड बीयरिंग में रिवॉल्व करता है। और जो लेथ का स्पिंडल होता है वह एक होलो शाफ्ट होती है, और उसके फ्रंट एंड है वह टेपर्ड होता है, ताकि लाइव सेंटर को इसमें एकोमोडेट किया जा सके। और साथ में फ्रंट एंड थ्रेडेड भी होता है, ताकि इसमें हम जॉब होल्डिंग डिवाइस जैसे चक, फेस प्लेट या फिर ड्राइविंग प्लेट को इसमें माउंट कर सकें। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वह है टेल स्ट्रोक। टेल स्ट्रोक हमेशा लेथ मशीन टूल के राइट हैंड साइड में होता है, और टेल स्ट्रोक का काम होता है ज़रूरत के अनुसार चक में होल्डिंग वर्कपीस को सपोर्ट करना। टेल स्ट्रोक की मदद से ड्रिलिंग, रिमिंग, टैपिंग ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है, और इस हैंड व्हील की मदद से हम टेल स्ट्रोक को मोमेंट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो कंपोनेंट आता है उसमें है लेग्स।
बेड की ये लेग्स मशीन के सभी लोड्स को कैरी करने के लिए होती हैं और फ्लोर पर लेग्स बोल्ट की मदद से फाउंडेशन इनकी की जाती है, जिससे मशीन वर्किंग के दौरान जो जनरेटेड वाइब्रेशन है उनको प्रिवेंट करने में हमें मदद मिलती है। नेक्स्ट कंपोनेंट है जो मेन कंपोनेंट हम कहेंगे कैरीज। कैरीज के फर्दर कंपोनेंट हैं, कैरीज के अंतर्गत आते हैं सैडल आता है, सैडल कंपाउंड रेस्ट और क्रॉस स्लाइड आता है इसके अंतर्गत, टूल पोस्ट आता है और एप्रन आता है। तो कैरीज कह सकते हैं कि पांच कंपोनेंट का एक सम्मेलन है जिसमें सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, टूल पोस्ट, एप्रन होता है। तो पहले बात करते हैं कैरीज की। ये जो पूरा सेटअप हम देखें इसमें, इस पोर्शन को, ये जो पूरा सेटअप, इसको कैरीज कहते हैं। लेथ मशीन का यह वो पार्ट है जो हेड स्ट्रोक व टेल स्ट्रोक के बीच में लगा होता है। कैरीज का काम होता है टूल पोस्ट को हेल्ड करना और टूल पोस्ट को बेड पर वर्टिकली व हॉरिजॉन्टली मूव करवाना, और यह गाइड वेज पर स्लाइड करता है। कैरीज कास्ट आयरन का बना होता है। तो बात कर लेते हैं कि जो गाइड वेज हैं वो क्या होती हैं। गाइड वेज की मदद से बेड पर टेल स्ट्रोक व कैरीज की मूवमेंट होती है। इनर वेज भी हो सकते हैं, ये आउटर वेज भी हो सकते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं कि जो कैरीज का पहला कंपोनेंट है वह है सैडल। यह सैडल है और जो सैडल होता है कैरीज का पार्ट होता है जो बेड वेज के अलोंग स्लाइड करता है, और सैडल के ऊपर ही क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट और टूल पोस्ट माउंटेड होते हैं, और जो सैडल है उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। सैडल के बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है क्रॉस स्लाइड। यह कैरीज का वो पार्ट है जो सैडल के टॉप पर होता है और क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड रेस्ट और टूल पोस्ट लगे होते हैं। क्रॉस स्लाइड मेन स्पिंडल के एक्सिस के नॉर्मल डायरेक्शन में मूव करता है, और क्रॉस स्लाइड को हम दो तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। पहला तो हम इसको हाथ के द्वारा, जो क्रॉस फीड स्क्रू है इसकी मदद से इसको ऑपरेट किया जा सकता है। दूसरा, इसको हम एप्रन मैकेनिज्म के थ्रू पावर फीड के द्वारा भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। क्रॉस स्लाइड के बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट बिल्कुल क्रॉस स्लाइड के ऊपर लगा होता है, और कह सकते हैं कि कैरीज का वो पार्ट जो सैडल पर टूल पोस्ट और क्रॉस स्लाइड के बीच में लगा होता है वह कंपाउंड रेस्ट होता है। दूसरा, जो कंपाउंड रेस्ट का जो बेस होता है वहाँ पर ग्रेजुएटेड सर्कुलर होता है, वो बेस सर्कुलर होता है जिसे हम स्विवल प्लेट कहते हैं, और कंपाउंड रेस्ट के ऊपर पार्ट को हम कंपाउंड स्लाइड कहते हैं जिसे कंपाउंड रेस्ट फीड स्क्रू की मदद से मूव किया जाता है। कंपाउंड रेस्ट के बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वह है टूल पोस्ट। टूल पोस्ट कैरीज पर बोल्टेड होता है। कैरीज का मतलब इसलिए क्योंकि कैरीज है, कैरीज के बाद सैडल है, सैडल के बाद क्रॉस स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड के बाद कंपाउंड रेस्ट है, और कंपाउंड रेस्ट के बाद इसका पार्ट आता है टूल पोस्ट। तो टूल पोस्ट का प्रयोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को करेक्ट पोजीशन पर होल्ड करने के लिए किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि जो टूल हम लेथ पर यूज करते हैं उसको होल्ड करने के लिए टूल पोस्ट का प्रयोग करते हैं, और जो टूल पोस्ट है टूल पोस्ट के ऊपर ही टूल होल्डर माउंटेड होता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है कैरीज का, वह कहलाता है एप्रन। एप्रन यह एक हैंगिंग पार्ट होता है और कैरीज पर लोकेटेड होता है, और इस पर कैरीज के सभी मूविंग व कंट्रोलिंग मैकेनिज्म लगे होते हैं। एप्रन के ऊपर ही सभी मैकेनिज्म लगे होते हैं, क्योंकि कैरीज और क्रॉस स्लाइड को पावर फीड प्रोवाइड करने के लिए जो बहुत से गियर ट्रेन प्रयोग की जाती हैं उनके लिए जो एप्रन है वह एक हाउसिंग की तरह कार्य करता है, और एप्रन पर क्लच मैकेनिज्म और स्प्लिट हाफ नट भी एप्रन के द्वारा ही कैरी किए जाते हैं, क्योंकि क्लच मैकेनिज्म का प्रयोग फीड रोड से मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं, जबकि थ्रेड कटिंग के दौरान स्प्लिट नट की मदद से लीड स्क्रू के साथ कंप्लीट कैरीज को ऑटोमेटिकली मूव किया जाता है। तो ये वो कंपोनेंट थे जो कैरीज के हमने डिस्कस किए हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट आते हैं उसमें आता है लीड स्क्रू। लीड स्क्रू यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। लीड स्क्रू बेड के बॉटम साइड पर लगा होता है जिसका काम होता है थ्रेड कटिंग के दौरान कैरीज को ऑटोमेटिकली मूव करवाना, क्योंकि कैरीज को टाइमली एडवांस करना स्पिंडल रोटेशन के साथ, और दूसरा, लीड स्क्रू की मदद से ही कैरीज को प्रिसाइज लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट प्रोवाइड की जाती है। और लीड स्क्रू का दूसरा नाम होता है पावर स्क्रू या फिर ट्रांसलेशन स्क्रू, इसके दूसरे नाम हैं। अगर हम वैसे बात करें कि लीड स्क्रू का काम क्या होता है, लीड स्क्रू मशीन में एक लिंकेज का काम करता है जिसकी मदद से हम
जो टर्निंग मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट किया जाता है। और लीड स्क्रू पर थ्रेड्स कटे होते हैं। लीड स्क्रू पर मेनली तीन टाइप के थ्रेड कटे हो सकते हैं, जिसमें बटरस थ्रेड, राउंड थ्रेड या स्केयर थ्रेड होते हैं, जिन्हें हम आवश्यकता अनुसार प्रयोग करते हैं। दूसरा कि हम स्प्लिट नट की मदद से थ्रेड कटिंग ऑपरेशन के दौरान हम इसको एंगेज कर सकते हैं। लीड स्क्रू के बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वह है फीड रोड। यह पावर ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है जो कैरीज को प्रिसाइज लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट प्रोवाइड करता है और लेथ पर टर्निंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते समय फीड रोड की मूवमेंट का होना आवश्यक होता है। कुछ लेथ मशीन पर फीड रोड नहीं लगी होती, ऐसी स्थिति में लीड स्क्रू की मदद से हम फीड रोड के कार्य को कर लेते हैं। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है उसमें आता है चिप पैन। चिप पैन या मशीन बेड के लोअर साइड पर लगी होती है। मशीनिंग के बाद वर्कपीस से जो चिप्स बनते हैं उन्हें कैरी करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए चिप पैन की मदद ली जाती है। उसके बाद हम इसमें अगर देखें, यहाँ पर एक स्पीड कंट्रोलर लगा होता है। स्पीड कंट्रोलर स्विच जो हेड स्ट्रोक पर लगा होता है, जिसकी मदद से स्पिंडल स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं। तो ये वो कंपोनेंट हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो लेथ मशीन के सभी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। जल्दी हाजिर होते हैं।